हेलो, स्वागत है गाइस फुटबॉल इन ब्रेड के वीकली न्यूज आवर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में बात स्टार्ट ही करते हैं हम लोग अपने हेड कोच का एक्सटेंशन को लेके। तो हमने लास्ट वीक जो है हमने कहा था कि हाँ एक्सटेंशन मिलने वाला है, कभी भी मिल सकता है, और फाइनली मिल चुका है। जैसा कि सुनने को आया था कि हाँ 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है, और डेफिनेटली ये 1 ईयर जो 2020 टू कोविड जो लेके चला गया बेसिकली वो वही है, और हम लोग इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, लाइक परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो इसके बाद जो है AFC वुमेन्स एशियन कप के बारे में, जो कि 2022 में होने वाला है, वो भी इंडिया में होने वाला है, और इसका लोगो हाल ही में रिवील किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे सिटीज़ जो मैचेस जहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे उनको भी रिवील किया गया। बेसिकली यह नवी मुंबई, मुंबई और पुणे, तो ये 3 सिटीज़ में जो है वो वुमेन्स एशिया कप कंडक्ट किए जाएंगे 2022 में। इसकी जो डेट आ रही है गाइज वो है 20 जनवरी से 6 फरवरी तक, यहाँ पे अगले साल है। वेट करते हैं, और भी बहुत सारे कुछ न्यूज़ आएंगे, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है अब हम लोग चलते हैं सीधा क्लब फुटबॉल के बारे में, यानी कि ISL के बारे में। तो ISL में बहुत ही कुछ हो रहा है। ISL में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ईस्ट बंगाल FC के बारे में, जो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे ईस्ट बंगाल FC फैंस ने जो है वो मार्चिंग जो है वो कंडक्ट किया था ईस्ट बंगाल FC ऑफिसर्स के सामने, बट वहाँ पे जो है अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे थोड़ी सी वायलेंस हो गई और ईस्ट बंगाल FC फैंस लोग इंजर्ड भी हुए। उसमें सीन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अभी ख़राब दिख रहा है अभी ईस्ट बंगाल FC के लिए। और ईस्ट बंगाल FC फैंस से आप लोग जो है हिम्मत मत हारिए, हम सभी लोग आप लोग के साथ हैं, और हम लोग जो है आप लोग को फुल सपोर्ट करेंगे हमेशा। कुछ आता है कुछ चलता है तो हम लोग आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। उसके साथ ही साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे AFC कप को लेके। AFC कप के हम लोग को अपडेट्स मिल के आ चुके हैं गाइज, यानी कि AFC कप फाइनली होने वाला है, थैंक गॉड होने वाला है, और यहाँ पे मालदीव्स ही कंडक्ट करेगा उसको। जो फर्स्ट मैच है जो कि प्ले ऑफ मैच होने वाला है, बेंगलुरु FC जो खेलेगी यहाँ पे क्लब ईगल्स के साथ, वो होगा 15th August को। और उसके बाद अगर बेंगलुरु FC या फिर क्लब ईगल्स जो भी उस मैच में जीतेगा वो डायरेक्टली जाएगा हमारे ग्रुप डी में, जहाँ पे ATK मोहन बगान FC वेट कर रही होगी बाकी टीमों के साथ। और फिक्सचर्स अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं किस दिन क्या होगा, बट डेट्स हम लोग को मिल के आ चुके हैं। डेट है हमारे पास 18th का डेट है, फिर बाद में 2021 का डेट है, और 24th August का डेट है। तो 15, 18, 21 and 24, ये 4 मैचेस, 4 डेज गाइज यहाँ पे ये जो डेट्स है ये मार्क करके रखिए। सबसे पहले मैं एक मेजर डिपार्चर के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि हैदराबाद FC से हुआ, जो कि आरिडने सैंटाना ने यहाँ पे जो है वो डिपार्ट ले लिया है। उन्होंने अपना फेयरवेल दे दिया है हैदराबाद FC को, और स्पेनिश के 3rd Division क्लब में उन्होंने ज्वाइन किया है। आरिडने सैंटाना ने ISL में अपने 2 सालों में 32 मैचेस खेले, जिसमें से 19 गोल्स दागे और 4 असिस्ट थे, तो काफ़ी बढ़िया। वो इनका ये स्टैट्स छोड़ के भी जो उनका प्रेजेंस जो फील्ड में था, वो लीडरशिप वाली क्वालिटी हम लोग को हैदराबाद FC में बहुत ज़्यादा दिखी, और बहुत ही इंजॉय किया हमने उनका गेम प्ले। वी विल रियली मिस सैंटाना, बट लेट्स सी नए प्लेयर्स अंदर आ रहे हैं और कितना मज़ा आने वाला है। ये तो जब ISL स्टार्ट होगा नवंबर में तभी पता चलेगा, और काफ़ी कंपटीशन हाई होने वाला है इस सीज़न भी हम लोग को लग रहा है। इसके बाद डिपार्चर में आते हैं हमारे ओडिशा FC के अलेक्जेंडर कोल। यस, अलेक्जेंडर कोल ने भी यहाँ पे फेयरवेल कर दिया है ओडिशा FC को, और वो वापस अपने जो ओडिशा FC के एक्स कोच यानी कि स्टुअर्ट बैक्स्टर, उनको अपने दूसरे टीम के साथ वो ज्वाइन करेंगे। ओडिशा FC का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो कि लास्ट ईयर में था उनके लिए अलेक्जेंडर कोल, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन था उनका, वो जो है अब ओडिशा FC के से विदा ले चुके हैं, और काफ़ी नए प्लेयर ऐड हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिपार्चर के बाद यहाँ पे साइनिंग्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला साइनिंग यहाँ पे ओडिशा FC के हेड कोच के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा, और फाइनली ओडिशा FC ने अपना हेड कोच कर लिया है अपॉइंट, और उनका नाम है यहाँ पे फ्रांसिस्को किको रेमिरेज, और वो एक स्पेनिश कोच है, कई जगह उन्होंने कोच किया हुआ है, बेसिकली स्पेन के अलग अलग डिविजन्स में वो कोच कर चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। साथ ही साथ उनका स्पेनिश यहाँ पे कोच है, तो हम लोग को
पोजीशन बेस्ड फुटबॉल तो जरूर देखने को मिलने वाला है ओडिशा एफसी की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पे ओडिशा एफसी यहाँ पे एक आइगर अंगुलो को भी जो है यहाँ पे साइन करने वाला है। अभी तक रूमर ये है, पेन डाउन नहीं हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि आइगर अंगुलो दिस ईयर उड़ीसा एफसी के जर्सी में देखने को मिलने वाले हैं हम लोग को। और साथ ही साथ एक और फॉरेन सेंट्रल फॉरवर्ड का नाम उठा है, जोनाथन परेरा, जो कि और जोनाथन परेरा जो है वो स्पेनिश थर्ड डिवीजन क्लब में खेलते थे अब तक। इस सीजन शायद हम लोग को देखने को मिले उड़ीसा एफसी के जर्सीज में, ऑफिशियल नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा, देखते हैं कब तक। तो इसके साथ ही साथ गाइज यहाँ पे हैदराबाद एफसी का लॉन्ग रूमर्ड अंकित यादव वाला साइनिंग फाइनली कंफर्म कर दिया गया हैदराबाद एफसी के लिए, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज। और फिर चलते हैं अगले क्लब की तरफ जो कि आता है हमारा केबीएफसी, केरला ब्लास्टर्स एफसी। केरला ब्लास्टर्स एफसी ने यहाँ पे जो है साइन किया है उरुग्वेन अटैकिंग मिडफील्डर को, जिसका नाम है यहाँ पे एड्रियन लूना। और एड्रियन लूना मेलबर्न सिटी में खेल रहे थे लास्ट टाइम, यानी 2 साल अपना जो है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में जो है वो बिताया है। और आई थिंक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एडिशन होने वाले हैं केरल। और साथ ही साथ यहाँ पे एटीके मोहन बगान एफसी के जो जॉबी जस्टिन थे, जो कि 1 साल यानी कि लास्ट ईयर जो है वो इंजर्ड हो गए थे, फाइनली जो है उन्होंने डिपार्चर ले लिया एटीके मोहन बगान एफसी से। और चेन्नई एफसी है उनके न्यू क्लब, और बहुत ही मजा आने वाला है। पिछले बार जे जो थे उन्होंने कमाल किया था, इंडियन स्ट्राइकर चेन्नई एफसी में, जॉबी जस्टिन जा रहे हैं, देखते हैं किस तरीके का कमाल वो चेन्नई एफसी में कर पाते हैं। और इसके साथ ही साथ बेंगलुरु एफसी ने 3 साइनिंग्स किए हैं, जो कि 2 इंडियन प्लेयर्स हैं और 1 फॉरेनर है। सबसे पहले फॉरेनर प्रिंस इवारा जो कि एक स्ट्राइकर हैं, और साथ ही साथ जयेश राणे जो कि एटीके मोहन बगान एफसी के मिडफील्डर थे वो बेंगलुरु एफसी में आ चुके हैं। और साथ ही साथ रियल कश्मीर एफसी के प्लेयर दानिश फारूक वो आ चुके हैं बेंगलुरु एफसी में, और हम लोग को बेंगलुरु एफसी के जर्सीज में दिखाई देने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ एटीके मोहन बगान एफसी ने यहाँ पे कार्ल मैक्यूज को रिटेन करने के साथ ही साथ यहाँ पे डेविड विलियम्स को भी रिटेन कर लिया है, यानी कि काफ़ी अटैकिंग हम लोग को वापस एटीके मोहन बगान एफसी की टीम हम लोग को दिखाई दे सकती है। और अभी तक रॉय कृष्णा का क्या होगा अभी तक पता नहीं चला है, बट एएफसी कप हो जाने के बाद डेफिनेटली हम लोग को शायद पता चलता है, या फिर ऑफकोर्स फीफा विंडो जो है अब क्लोज होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग को शायद जो है न्यूज़ रॉय कृष्णा का पता चल जाएगा, और मुंबई सिटी एफसी में वो जाते हैं या नहीं जाते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर जो है आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा गाइज। इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड चीयर्स टू फुटबॉल।